नमस्कार साथियों, उच्च पथ प्रभार से आज शिक्षा विभाग की क्या सुर्खियां चल रही हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में हम देखें तो प्रमोशन समझ करके प्रभार देने के वो राजी हुए, चुनाव से वो भी अटका। साथियों, जहां लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे उच्च पथ प्रभार का और फाइनली प्रोसेस प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कम्प्लीट नहीं हुई है और इसी बीच अगर देखा जाए तो आचार संहिता लग गई। अब शिक्षकों को आचार संहिता लगने से रुक गई प्रक्रिया, 1500 प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक प्रभावित हुए। मोस्टली यह खबर है जबलपुर जिले की। तो साथियों, जबलपुर में ऐसा लेट लतीफ काम हुआ कि शिक्षक इंतजार करते रह गए लेकिन उन्हें उच्च पथ प्रभार नहीं मिल पाया। क्या यह प्रोसेस चुनाव के बाद प्रारंभ होगी, पहले हम इस खबर को जानते हैं। साथियों, जैसा कि दिया गया है, तरह तरह के अरमान सजा करके प्रमोशन पाने के लिए बढ़ चुके शिक्षकों पर चुनावी बिगुल ने रोक लगा दी है। इसमें तकरीबन 1500 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इसमें से जानतर वही शिक्षक है जिन्होंने प्रमोशन का हवाला देकर के मुश्किल से प्रभार के लिए मनाया गया था। कई दिनों तक काउंसलिंग की गई लेकिन जैसे ही शिक्षक प्रभार की प्रक्रिया आगे बढ़ी, चुनावी तारीख के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब शिक्षक भर नहीं, सेटअप जमाने के लिए महकमे के अधिकारी भी परेशान हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। जिले में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में पदस्थ करीब 1500 शिक्षक परेशान के दायरे में आ चुके हैं। वहीं आगे दिया है, वर्ष 2013 से इनका प्रमोशन नहीं हुआ था। चंद माह पहले ही विभाग प्रमोशन के एवज में उच्च पद प्रभार दिए जाने के निर्णय ले गया था। इसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों को चयनित किया गया था लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते जिले की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी और आचार संहिता लागू हो गई। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, जबलपुर का यह हालात है कि यहाँ पर काउंसलिंग तो हुई लेकिन जो उच्च पद प्रभार संबंधी आदेश जारी नहीं हुए। यही आलम अगर देखा जाए तो लेक्चरर्स के साथ हुआ, माध्यमिक शिक्षक और के साथ मोस्टली उनके भी आदेश जारी नहीं हुए। हालांकि हमारे जितने भी शिक्षक हैं वह अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि अभी आचार संहिता में लग जाने के कारण निर्वाचन में सभी पदाधिकारी इसमें संलग्न है और इस वजह से यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो जो हमारे शिक्षक हैं उनके उच्च पथ प्रभार संबंधी आदेश जारी होंगे और साथ में सेकंड राउंड की काउंसलिंग और जो अन्य विषय की जो काउंसलिंग रह गई है तो वो भी आगे होगी। जैसा कि इसमें दिया भी है कि काउंसलिंग का सेटअप अभी नहीं जम पा रहा है क्योंकि वो कारण उसका यही है कि अभी जितने भी पदाधिकारी हैं वह चुनाव कार्य में संलग्न हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट और उच्च पथ प्रभार से संबंधित लेटेस्ट अपडेट हम आपको लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।